अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूं और वह नया विषय है चंदा मामा, चंद्रमा और चंद्रयान 3। मित्रों, यूं तो चंद्रयान को लेकर के प्रतिदिन हमारी जिज्ञासाएं, हमारी आशाएं बढ़ती जा रही हैं, उनकी सफलता की हम सभी लोग कामना में तत्पर हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं बचपन की उस कोमल यादों को आज के उस उच्चतम परिणति के साथ जोड़ूं। हमारे इस धरती से कोसों दूर बसा एक चांद, हम जब शिशु होते हैं, बालक होते हैं, या यूं कहें कि बचपन में उस दूर बसे चांद को हम लोग चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। बचपन से ही कई प्रकार की लोरियां, गीत, कहानियां हमें उस चंदा मामा की ओर आकृष्ट करते चले जाते हैं। उन्हीं गीतों में एक जो सबसे प्रसिद्ध लोरी हुई कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दिए प्याली में। आशा भोसले का गाया हुआ वचन फिल्म का यह गाना। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दिए प्याली में, तो दूसरी ओर कर्तव्य मूवी का वो गाना कि चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरे आंखों का तारा मेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा, चंदा मामा। तो ये कुछ ऐसे सुनहरे पल हैं जिनकी यादों में हम खो जाते हैं, उस बचपन की अनुभूति में हम डुबकी लगाने लगते हैं। हम लोगों ने कभी यह विमर्श नहीं किया, ना ही कभी इस पर अपना ज्यादा ध्यान दिया कि पृथ्वी से कोसों दूर रहने वाला यह चंद्रमा को कैसे यह चंद्रमा चंदा मामा बन गया। क्या वास्तव में चंदा मामा कोई पौराणिक कहानी है या लोक गाथा है, लोक कहानी है, या हमारे शास्त्रों में उन्हें चंदा मामा कहके पुकारा गया है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में बहुत बाद में चंद्रमा को चंदा मामा कहा गया, लेकिन इसको लेकर के कई प्रकार की अलग अलग कहानियां हैं कि हमने क्यों इसे चंदा मामा कहा। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जो पौराणिक कहानी, वह है कि समुद्र मंथन के समय में समुद्र के गर्भ से कई चीजें निकली। अब चूंकि एक स्थल विशेष से निकलने वाली सारी वस्तुएं को हम लोग सिबलिंग्स कहके बुलाते हैं, सोदर सहोदर कहते हैं, तो उनमें से माता लक्ष्मी जो हम लोगों की आराध्या देवी हैं, धन की देवी हैं, वह भी निकली और उनके साथ चंद्रमा भी निकला। तो चूंकि माता के साथ चंद्रमा अर्थात माता का भाई, तो माता के भाई होने के कारण, लक्ष्मी का भाई होने के कारण हमने उसे चंदा मामा कहना शुरू कर दिया। तो एक तो ये पौराणिक कहानी है। हालांकि कहानी जब भी कोई इस प्रकार की बनती है तो उनके पीछे कोई तर्क नहीं होता, उनके पीछे कोई आधार नहीं होता, केवल एक कोमल भावना होती है और उसी कोमल भावना के अंतर्गत हमने चंद्रमा को चंदा मामा कह दिया। दूसरी और कहानी मिलती है, उन्हीं कहानियों में से एक कहानी यह भी है
कि पृथ्वी हमारी माता है और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। तो हमारे अपने गांव घर में हम सभी देखते हैं कि हमारी बहनें होती हैं और हम छोटे बच्चे जिस प्रकार अपनी बहनों के चक्कर लगाते रहते हैं, प्यार से उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो मानो यह भी एक उसी प्रकार की भावना निकली कि पृथ्वी जिसे हम भारतीय माता कहते हैं और माता का चक्कर लगाने वाला जो भाई है वो चंद्रमा है, तो इसीलिए चंद्रमा चंदा मामा बन गया। मैं हमेशा से अभी भी मैंने इसकी आपके सामने यह बात रखी और पुनरावृत्ति कह रहा हूं कि ये सारी केवल कल्पना होती है। बच्चों के उस मनोरम क्षण में बच्चों की उस कोमल भावना को एक आधार दिया जाता है और उसी चंद्रमा को चंदा मामा कहते कहते हम बड़े हो जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो उस समय फिर हमारे सामने चंद्रमा का समग्र आता है और तब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा से चंदा मामा की यात्रा कैसे बनी। तो उन्हीं में से एक छोटा सा जिसको हम भाषा वैज्ञानिक पक्ष कहते हैं वह है चंद्रमा का। चंद्रमा अगर आप देखें तो चंद्र जो संयुक्ताक्षर होते हैं उसका उच्चारण सहज तरीके से करना मुश्किल होता है, या पुनः पुनः रिपीटेडली आप चंद्रमा 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 अगर करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे फेफड़े के ऊपर पड़ता है, हमारे लंग्स के ऊपर पड़ता है। तो हम आप सभी जानते हैं कि हमारा मन भी आलसी होता है, हमारी तंत्रिकाएं भी मन के प्रभाव में, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो भी आकर के उस चंद्रमा मन के आलसपन के अधीन हो जाता है और हम बड़े बड़े संयुक्त अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाते, हम उनमें से छोटे संक्षिप्त कर देते हैं। तो चंद्रमा से चंदमा बना और उसी चंद्रमा से चंदा माँ और चंदा माँ से चंदा मामा बना। तो एक भाषा वैज्ञानिक रूप से हम इस चंदा मामा तक की यात्रा करते हैं और बाद में तो हम आप सभी जब बड़े होते हैं तो चंद्रमा हमारी जो युवपन की जो कोमल भावना है उसका एक हिस्सेदार बन जाता है। चंदा मामा, चंद्रमा और चंद्रयान, हम अगर इसको एक प्रतीक समझ के चलें तो ऐसा लगता है कि मानव जीवन की यह पूर्णता की व्याख्या कर रहा हो। चंद्रमा हमारा शैशव, हमारा बचपन, हमारे युवपन से पहले की अवस्था, चंद्रमा युवापन से लेकर के और पूरी तरह से एक मैच्योर लाइफ जीने की कह सकते हैं आधार भूमि। और इस रूप में कि जो हमारा पहले चंदा मामा होता था आज वही चंद्रमा हम सारे कवियों के लिए सबसे बड़ी उपमा बन जाती है और हर प्रेमी की प्रेमिकाओं का जो मुख है उसमें चांद दिखने लगता है। कोई भी साहित्य क्यों ना हो, शेर शायरी क्यों ना हो, गजल क्यों ना हो, कव्वाली क्यों ना हो, बॉलीवुड के गाने क्यों ना हो, संस्कृत साहित्य की अमर पुस्तकें क्यों ना हो, कालिदास की शकुंतला क्यों ना हो, सब के सब चांद है, सबका मुख चांद है। और तभी हम पाते हैं अपने गानों में कभी, अपने गजलों में कभी, कि गली में आज चांद निकला, छत पे निकला होगा चांद, चांद सी महबूबा हो ऐसा मैंने सोचा था या ऐसा कब मैंने सोचा था। तो ऐसे ऐसे सुंदर जिसको हम नगमे कहते हैं वो हमारी कलमों से लिखनी निकलनी शुरू हो जाती है, ये चंद्रमा चांद आदि। अगर आप इसके इतिहास को देखें, अगर चंद्रमा शब्द के प्रथम प्रयोग को जानें, हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है जहां पर चंद्रमा साक्षात शब्द प्रयोग होता है, मनसः चंद्रमा जातः। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रयोग या चंद्रमा के प्रति लोगों की उत्सुकता आज से नहीं है बल्कि सभ्यता के आदि काल से चंद्रमा के प्रति उत्सुकता है। तभी हमारे साहित्य में चंद्रमा के असंख्य नाम हैं, अनंत नाम हैं। यहां अनंत और असंख्य नाम से तात्पर्य है पर्यायवाची। हम आप सभी जानते हैं कि जो विश्व का जो प्राचीनतम थेसरस है जिसे हम शब्द संग्रह कहते हैं, एक शब्द के कई नाम कहते हैं, वह है अमरकोश। उस अमरकोश में यद्यपि चंद्रमा के 20 नाम, 20 या 22 नाम प्राप्त होते हैं, लेकिन पुनरपि अगर समग्र संस्कृत साहित्य में डुबकी लगाई जाए तो
तो वहां पर आपको 200 से अधिक नाम चंद्रमा के सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उनमें से कुछ नामों की सूची हम आपको दे रहे हैं और कुछ नाम तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। चंद्र है, चंद्रमा है, विधु है, शशि है, राकेश है, हिमांशु है, शशांक है, मृगांक है, मयंक है, शशधर है, कलानिधि है, अब्जह है। इस तरह से कई आप मतलब इसमें क्या कहें, मतलब अगर नाम गिनाना शुरू कर दें तो यह खत्म होने वाली ही विधा नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कवियों ने अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुरूप चंद्रमा के लिए वैसे वैसे शब्द गढ़ लिए। तो ये एक चंद्रमा है। लेकिन हम जब वैज्ञानिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो चंद्रमा सर्वथा अपना एक नया स्वरूप लेकर के उभरता है, एक नई दुनिया हमारे सामने उपस्थित करता है। आज समस्त विश्व उस चंद्रमा को जानने के लिए, उस चंद्रमा के रहस्य को जानने के लिए हर प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का, हर प्रकार की वैज्ञानिक संभावनाओं का उपयोग करते देखे जाते हैं। उन्हीं में से हमारा राष्ट्र भारतवर्ष भी इसमें पीछे नहीं है। इनमें इनका जो एक वैज्ञानिक जो अनुसंधान की एक संस्था है वह है इसरो, जो कि इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की गतिविधि को एक नया रूप देता है। और उन्हीं का एक मिशन है चंद्रयान, और उन्हीं चंद्रयान में से आज जिस कारण हमने इस अपने व्याख्यान को यहां रखने का प्रयास किया है उसका भी केंद्र है चंद्रयान 3। तो हम चंद्रयान 3 के विषय में भी हम कुछ ऐसी सूचना आपके सामने अभी प्रस्तुत नहीं करेंगे जो कि आए दिनों हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या अपने उत्सुकता के कारण उस चांद को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 ने हर भारतीयों के मन में एक कुतूहल उत्पन्न कर दिया है। वह कुतूहल क्या है और उस कुतूहल का जो समाधान है, उस समाधान में इस चंद्रयान 3 की क्या भूमिका है और किस प्रकार अभी तक इस चंद्रयान ने अपनी भूमिका निभाई, हम अभी अब उसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमने जिस चंद्रमा, चंदामामा और चंद्रयान 3 को मानव जीवन की पूर्णता का प्रतीक कहा, वही पूर्णता यह चंद्रयान 3 पूरी करने के लिए तत्पर है। 23 अगस्त 2023 5:47 का वह क्षण इतना रोमांचक क्षण है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की उस धारा पर उतरेगा। भले ही यह भारत के लिए, विश्व के लिए, वैज्ञानिक जगत के लिए अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, लेकिन हमारे लिए वह अत्यंत भावुक क्षण होगा, क्योंकि उस क्षण हमारे चंदामामा से चंद्रयान 3 का मिलन होगा। तो वो जो क्षण है वो और अधिक हमारे मन में एक कह सकते हैं कि प्रसन्नता का संचार कर रहा होता है। चंद्रयान और चंदामामा का मिलन जीवन की पूर्णता है। जिनके बारे में हम केवल सुनते रहे हैं उनका साक्षात दर्शन होगा। उनका सतह कैसा है, उनकी धारा कैसी है, क्या चीजें वहां पाई जाती है, वहां का वातावरण कैसा है, क्या वहां पर पानी है या नहीं है, इन सारे रहस्यों का उद्घाटन चंद्रयान 3 उस मिलन के पश्चात हमारे लिए वह करता रहेगा। चंद्रयान का यह अभियान हम भारतवासियों ने सर्वप्रथम शुरू नहीं किया, सोवियत रूस ने सर्वप्रथम इसका जिम्मा लिया, इसका दायित्व संभाला और उन्होंने दो दो यात्रा की। एक प्रथम यात्रा लूनावन, जिसके माध्यम से वह चंद्र के नजदीक से, निकट से निकला, लूना 2 जो कि चंद्रयान पर उतरा, और बाद में अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने सर्वप्रथम अपने मानव को उस चंद्रमा पर उतारा।
सारे के सारे क्षण इतिहास में दर्ज है। और उसी इतिहास में उस क्षण को भी 5:47 23 अगस्त 2023 को भी हम लोग दर्ज करने के लिए तत्पर हैं, उस रोमांच को अनुभव करने के लिए तत्पर हैं। इन दिनों चंद्रयान 3 ने हमारी उत्तेजना और बढ़ाई, हमारी खुशियां और बढ़ाई, नए नए पिक्चरों को भेज करके, चित्रों को भेज करके। कभी वह उस हरितिमा से, हरे रंग से युक्त चंद्रमा का रंग, तो कभी वह कालिमा से युक्त चंद्रमा का रंग, तो कभी उबर खाबर गड्ढों वाला चंद्रमा, तो कभी हमारे लिए वह चंद्रमा जिस चंद्रमा का हम अन्वेषण करने के लिए तत्पर हैं। यूं तो हमारी स्मृति में, हमारी यादों में, हमारी आंखों में केवल और केवल वह चांदनी रंगों से, अर्थात जिसे हम चांदी कहते हैं, उन चांदीमय वर्णों से युक्त हमारी स्मृति में वह चंद्रमा है। लेकिन उस वह जो स्मृति है अब यथार्थ में परिणत होगा हमारा इस चंद्रयान 3 के द्वारा। अभी यह चंद्रमा 3 20 तारीख की रात में चंद्रमा के सर्वाधिक निकट पहुंचने को तत्पर है, जहां से उसकी न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर की रह जाएगी और अधिकतम दूरी 113 किलोमीटर की रहेगी। वह भी अपने आप में रोमांच है। अगर हम 30 किलोमीटर को अगर अपनी यात्रा में अगर डालें, तो यह कह सकते हैं कि दिल्ली से जो दूरी लगभग गुड़गांव की है, तो उस दूरी पर 20 तारीख की रात में यह चंद्रयान 3 चंद्रमा से दूर था। इसके साथ ही छोटी छोटी बातें हैं, हम जो सभी जानते हैं, जो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को लेकर के, कि जो पृथ्वी पर वजन है उस वजन का छठा हिस्सा हमारा वहां पर हो जाता है। इसी तरह से वहां पर 14 दिनों जो पृथ्वी के जो 14 दिन होते हैं उसके बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है, और 14 रात के बराबर वहां की एक रात होती है। तो 14 दिन और 14 रात मिलाकर वहां पर चंद्रमा का एक दिन होता है। तो ये कुछ रोचक तथ्य हैं जो मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपके सामने क्या स्पष्ट करूं, क्योंकि आप सब लोगों के समक्ष वैज्ञानिक यह तथ्य उपस्थित है। हमारे लिए तो वह रोमांच है, हमारे लिए तो चंदा मामा है, हमारे लिए वह चंद्रमा है, और हम सब के लिए गौरव का प्रतीक वह चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करते हुए हम सब लोग इस मिलन का साक्षी बने 23 अगस्त 2023 5:47 पर। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को रोचक लगा तो उसे आप लाइक करें, आप उसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उस पर कमेंट करें। साथ ही अगर मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, मेरे और भी कतिपय अन्य विषय जिसे मैं अनफोल्ड करने जाने वाला हूं, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।